रानो चिड़िया अपना जीवन खुशी खुशी बिता रही थी। उसके परिवार में उसका पति टुन्नू चिड़िया और उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। टुन्नू चिड़िया सारा दिन अपने बच्चों के लिए भोजन तलाश करता और रानो चिड़िया अपने बच्चों का ख्याल रखती थी। वो दोनों अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाल रहे थे और वे अपने बच्चों को जीवन बिताने के सारे गुण सिखा रहे थे। हर बार की तरह आज की रात भी टुन्नू चिड़िया अपने बच्चों को कहानी सुनाकर सुला देता है। आप सारा दिन काम करके थक जाते हैं, लेकिन रात को कभी भी अपने बच्चों को कहानी सुनाना नहीं भूलते। रानो, मैं सारा दिन तुम्हारे और अपने बच्चों के लिए सारा दिन भोजन तलाश करके लाता हूँ। ये सच है कि मैं थक जाता हूँ, लेकिन जब मैं शाम को आकर अपने बच्चों को देखता हूँ तो मेरी सारी थकान उतर जाती है। तुम्हें पता है, मेरे पापा भी मुझे बहुत प्यार किया करते थे। वो भी हर रोज़ रात को मुझे कहानी सुनाया करते थे और मुझे अपने साथ लगाकर सोया करते थे। वो बातें अभी तक मैं नहीं भूला और मैं चाहता हूँ कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाए और मैं इस दुनिया में ना रहूँ तो वो भी मुझे ऐसे ही याद करे जैसे मैं अपने पापा को करता हूँ। आप ऐसी बातें ना किया करें, भगवान करे हमारा परिवार हमेशा ऐसे ही साथ रहे। रानो, यही विधि का विधान है, जो आया है उसे लौट कर भी जाना होता है। बस हम अपने बच्चों को ऐसे शिक्षित करेंगे कि ये अपने बच्चों को खुश रख सके। वे दोनों पति पत्नी ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो आसमान में बहुत ज़्यादा काले बादल आ चुके थे और साथ में बहुत तेज हवा भी चल रही थी। बादल इतने ज़्यादा थे कि दिन में भी रात लग रही थी। हवा इतनी तेज थी कि जैसे वो हवा जंगल के सारे पेड़ और पौधों को उखाड़ फेंकेगी। रानो चिड़िया बहुत हैरान थी। आज तो बहुत तेज तूफान है, मुझे तो बहुत डर लगता है कि हमारा घोंसला ऐसे तूफान में गिर ना जाए। क्या आपने पहले कभी ऐसा तूफान देखा है? रानो, तुम घबराओ ना, हमारे पूर्वज भी ऐसे ही घोंसले में रहते आए हैं। देखना, कुछ ही देर में ये तूफान रुक जाएगा और सब पहले जैसा हो जाएगा। भगवान करे सब ठीक जल्दी हो जाए। फिर शाम हो जाती है पर तूफान अभी तक नहीं रुका था और साथ ही साथ बारिश भी होने लगती है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम मेरे पास आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ठंड लग जाए। कुकू के पापा, आप हम क्या करें? कुकू के पापा। सुंदरवन के जंगल में टुन्नू चिड़िया का एक छोटा सा परिवार रहता था, जहाँ उसका पति टुन्नू चिड़िया और एक सुंदर सी बेटी टुनटुनी चिड़िया रहती थी। टुन्नू चिड़िया बाकी पक्षियों की तरह एक किसान था। वह खेती बाड़ी का काम किया करता था। टुन्नू चिड़िया के खेत में तरह तरह के सब्जियां उगाई जाती थी। टुन्नू चिड़िया उन सब्जियों को बेचा करता था। एक दिन अचानक जंगल में बारिश होने की वजह से टुन्नू चिड़िया का सारा फसल बर्बाद हो जाता है। फिर अगली सुबह टुन्नू चिड़िया अपनी पत्नी टुन्नू चिड़िया से कहती है, टुन्नू, कल सुबह मैं सब्जी बेचने बाजार जाऊँगा। ओ जी, आप क्या बेचेंगे? हमारा तो सारा सब्जी का फसल बर्बाद हो गया है। नहीं टुन्नू, मैं अब अपना सब्जी नहीं बेचूँगा। अब मैं जंगल के पक्षियों से सब्जी खरीद कर बाजार जाकर बेचा करूँगा। और इतना बात कहकर टुन्नू चिड़िया सब्जी बेचने बाजार की ओर निकल पड़ता है। जंगल के पक्षियों से सब्जी खरीद कर बाजार में जाकर टुन्नू चिड़िया उसे बेचने लगता है। आलू ले लो आलू, प्याज ले लो प्याज, ताजे ताजे आलू, ताजे ताजे प्याज ले लो भाई ले लो। ऐसे ही टुन्नू चिड़िया जंगल के पक्षियों से सब्जी खरीद कर बाजार में बेचा करता था। और एक दिन टुन्नू चिड़िया के परिवार के ऊपर एक मुसीबत आ पड़ा। जब टुन्नू चिड़िया सब्जी बेच कर आ रहा होता है तभी तेज हवाएं चलने लगती है, जिसके कारण टुन्नू चिड़िया नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। गिरने की वजह से उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसके कारण टुन्नू चिड़िया का मौत हो जाता है।
टुनुचिरा के मौत हो जाने के बाद टुनुचिरा अपनी बेटी के साथ अकेली हो जाती है। जब टुनटुनी चिड़िया की कुछ सहेलियां स्कूल जाती तो उसे भी स्कूल जाने का मन करता है। मम्मा, मुझे भी स्कूल जाना है, मेरी जंगल की सारी सहेलियां मोनी, पिंकी, मुस्कान सभी स्कूल जाती है और मुझे भी स्कूल जाना है। अच्छा ठीक है बेटी, अब मैं खुद सब्जी बेचा करूँगी और तुम्हें पढ़ाऊँगी, तुम घर में ही रहना बेटी, मैं सब्जी बेचने जा रही हूँ। फिर टोनी चिड़िया जंगल में सब्जी बेचने चली जाती है और कुछ सब्जियां खरीद कर उसे बाजार में बेचने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहती है, आलू ले लो आलू, प्याज ले लो प्याज, ताज़े ताज़े सब्जियां ले लो भैया। तभी वहां एक कबूतर आ जाता है। अरे टोनी बहन, आलू का क्या रेट है? अरे बंटी भैया, ये आलू मैं 10 रुपये किलो दे रही हूँ। तो ठीक है टोनी बहन, आप मुझे 5 किलो आलू दे दो। फिर टोनी चिड़िया 5 किलो आलू तौल कर बंटी कबूतर को दे देती है। जो पैसा टोनी चिड़िया कमाई थी उस पैसों से अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया का एडमिशन एक बड़े स्कूल में करवा देती है और वो टोनी चिड़िया और उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया सब्जी बेचकर खुशी खुशी रहने लगती है।